वेलकम बैक साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड एक बहुत ही अच्छी ये नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस की। तो JSSC एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले सभी साथियों को आज के इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को एंड तक देखना। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे डेविड कॉपरफील्ड। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं डेविड कॉपरफील्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पहले तो आप जान लें कि इट इज़ अ नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, यानी डेविड कॉपरफील्ड यह एक नॉवेल है। किसकी है? चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, डेविड कॉपरफील्ड इज डिटेलिंग हिज एडवेंचर इन हिज जर्नी फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। देखिए, डेविड कॉपरफील्ड ये जो नॉवेल है, इसमें डेविड कॉपरफील्ड ने अपने बचपन से लेकर के मैच्योरिटी तक की जो डिटेल है, वो जर्नी है, उसको वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं बचपन से लेकर के जवानी तक में जो उसके डिफरेंट्स जो स्टेजेस हैं उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, इट वॉज पब्लिश्ड एज ए सीरियल इन 1849 एंड 1850। देखिए, इसको सीरियली पब्लिश किया गया था 1849 एंड 1850 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज पब्लिश एज अ बुक इन 1850, यानी डेविड कॉपरफील्ड एक बुक के रूप में पब्लिश की गई थी। कब? 1850 में। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइटल। देखिए, ओरिजिनल टाइटल इसका जो था वो ये था, आप देख सकते हैं, डेविड कॉपरफील्ड अ पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रोकरी। ये इसका ओरिजिनल टाइटल है डेविड कॉपरफील्ड का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। देखिए, यह जो है ना, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड का। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। नेक्स्ट है, इट इज़ द 8th नॉवल। देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन है कि चार्ल्स डिकेंस की ये 8वां नॉवल है, द 8th नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ से इसका समरी जान लेते हैं कि इस नॉवेल का जो समरी है वो क्या है। इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, समझाया समझाने के लिए आपको। देखिए, डेविड कॉपरफील्ड टेल्स हिज ओन स्टोरी इन द नॉवेल। नॉवेल की जब शुरुआत होती है दोस्तों, तो डेविड कॉपरफील्ड अपनी ही स्टोरी बताते हैं इस नॉवेल में। ही टेल्स द स्टोरी फ्रॉम हिज बर्थ टू मैच्योरिटी। वह स्टोरी बताते हैं कि उसके बचपन से लेकर के उसके मैच्योरिटी तक के जो स्टेजेस आए, उनके समस्याएं आए, जो क्या क्या वो झेले, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। ही वॉज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। देखिए, पहली बात जो बता रहे हैं वो कि उनकी जो जन्म हुई थी वो उनके फादर के डेथ के बाद। हिज फादर इज डेविड कॉपरफील्ड। देखिए, यहाँ ध्यान रखें, उनका और उनका फादर का नाम, दोनों का नाम डेविड कॉपरफील्ड, यानी डेविड कॉपरफील्ड के पिता का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड था। डेविड इज़ हैप्पी विथ हिज मदर क्लैरा कॉपरफील्ड एंड हाउस कीपर पैगोटी। देखिए, दो कैरेक्टर यहाँ पे एंट्री हो जाती है, एक क्लैरा कॉपरफील्ड और दूसरा पैगोटी। मैं बता दूँ कि दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड जो थे, उनकी माँ का नाम क्लैरा कॉपरफील्ड था और उनके हाउस कीपर जिसका नाम था पैगोटी। ये दोनों कैरेक्टर के बारे में आप जानकारी ले लिए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट, हिज मदर क्लैरा कॉपरफील्ड यूजेस टू मीट अ मैन नेम्ड मर्डस्टोन व्हेन डेविड इज 7-8 ईयर्स ओल्ड। देखिए, यहाँ नॉवेल में एक मोड़ आ जाता है जब क्लैरा कॉपरफील्ड, जो डेविड कॉपरफील्ड की माँ है, वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है मर्डस्टोन। मर्डस्टोन ये आदमी है, इनसे वो मिलती है। ही डज नॉट लाइक मर्डस्टोन। और डेविड जो है ना, वो मर्डस्टोन को पसंद नहीं करता है। ये घटना होती है तब जब डेविड का उम्र 7-8 साल होता है करीबन। तो
तो क्यों पसंद नहीं करते हैं मडस्टोन को? क्योंकि उसकी माँ का मडस्टोन से मिलना उसे अच्छा नहीं लगता है। पैगोटी विथ डेविड कॉपरफील्ड गोज़ टू अ ट्रिप। देखिए, पैगोटी जो थी उनकी हाउसकीपर और डेविड कॉपरफील्ड दोनों जो है एक ट्रिप पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दे गो टू मिस्टर पैगोटी, ब्रदर ऑफ पैगोटी। देखिए वो दम जाते कहाँ हैं, वो जाते हैं मिस्टर पैगोटी के पास। और मिस्टर पैगोटी कौन है? जो उनके यहाँ हाउस कीपर है पैगोटी, उसके भाई हैं, तो वहाँ पे वो जाते हैं वो दोनों। डेविड सेंट सेज, वन सेकेंड, डेविड स्पेंड सेज टाइम विथ एमिली नीस ऑफ पैगोटी। देखिए जब वहाँ जाते हैं तो डेविड ने अपना बहुत सारा समय जो है एमिली के साथ वो गुजारता है। एमिली क्या है? एमिली कौन है? एमिली है पैगोटी की नीस। उम्मीद करता हूँ कि सारे कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी ले पा रहे हैं। व्हेन डेविड कम्स फ्रॉम ट्रिप, और जब वो ट्रिप से वापस आता है डेविड, ही सीज हिज मदर मैरीज मडस्टोन। जब वो ट्रिप से आता है तो यहाँ पे उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न हो जाती कि उसकी माँ ने मडस्टोन से शादी कर ली है। एंड उसके बाद क्या होता है कि उसी के घर में जेन मडस्टोन कम्स टू लिव विथ मडस्टोन एंड क्लारा कॉपरफील्ड, कि जेन मडस्टोन जो है वो मडस्टोन और क्लारा कॉपरफील्ड उसी के घर में जो है आकर के रहना चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये बात डेविड कॉपरफील्ड को अच्छा नहीं लगती है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। मडस्टोन सेंड्स डेविड टू ए बोर्डिंग स्कूल। देखिए मडस्टोन जो है ना वो डेविड कॉपरफील्ड को भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि मडस्टोन और क्लैरा कॉपरफील्ड के बीच में ये डेविड कॉपरफील्ड आ जाता है। और मडस्टोन जो है अब क्या करता है, उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। ही फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, क्रिकल रन्स दैट स्कूल। देखिए उस स्कूल में डेविड कॉपरफील्ड को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देख लेंगे नाम, यहाँ पे क्रैकल, यदि मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, ये जो है उस स्कूल का मालिक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग, टॉमी ट्रेडल एंड जेम्स स्टीयरफोर्ड। देखिए दो नाम यहाँ पे है, टॉमी ट्रेडल एंड जेम्स स्टीयरफोर्ड बिकम हिज फ्रेंड, यानी डेविड के फ्रेंड यहाँ पे दो बने, टॉमी ट्रेडल और जेम्स स्टीयरफोर्ड। ही लेफ्ट हिज स्कूल व्हेन ही हियर्स डेथ न्यूज़ ऑफ हिज मदर विथ न्यू बेबी। देखिए डेविड के लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आ जाता है जब वो सुनता है अपनी माँ के डेथ का न्यूज़, उनकी माँ की मृत्यु का न्यूज़, तो स्कूल को छोड़ करके वो वापस चला आता है। और ये भी कि उसकी माँ जो है एक बेबी के साथ वो डेथ हुई है, मतलब एक न्यू बेबी जो है उसको थी, किससे थी? तो वो मडस्टोन से थी, मतलब डेविड के जो है उसके स्टेप बेबी कहेंगे हम उसको, क्या बोलते हैं, स्टेप सिस्टर या ब्रदर, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, वो डिफाइन नहीं किया गया, वो लड़का था या लड़की था। नेक्स्ट, मडस्टोन अगेन सेंड्स हिम टू लेबर टू अ फैक्ट्री। अब मडस्टोन को ये भी इसके आगे भी क्या करता है वो मडस्टोन, वो डेविड को जो है एक फैक्ट्री में लंदन भेज देता है कमाने के लिए, काम करने के लिए। डेविड मिट्स अ गुड फैमिली मिस्टर एंड मिसेस मेकओवर। और वहाँ पे क्या होता ना कि डेविड कॉपरफील्ड एक अच्छे फैमिली से मिलता है जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस मेकओवर। मिस्टर मेकओवर सेटल्स अनदर पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड डेविड इज अलोन। वहाँ पे वो दोनों मिस्टर एंड मेकओवर दोनों एक साथ रहते हैं, डेविड कॉपरफील्ड को अलग से एक रूम दे दिया गया है, वो दोनों शहर के दूसरे हिस्से में रहते हैं, डेविड अकेला रहता है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए डेविड रन्स अवे फ्रॉम द फैक्ट्री। अब क्या होता है कि डेविड वहाँ से भाग आता है, जो फैक्ट्री में वो काम कर रहा था वहाँ से भाग आता है लंदन से। ही गोज़ टू मिस बेट्सी। अब वहाँ से भाग करके किसके पास जाता है? मिस बेट्सी के पास। मिस बेट्सी कौन है? मिस बेट्सी इज इज ग्रेट आंट। तो मिस बेट्सी जो है वो डेविड कॉपरफील्ड की ग्रेट आंट है। मडस्टोन कम्स टू मिस बेट्सी टू टेक डेविड। अब ये बात मडस्टोन को पता चल जाती है कि डेविड कॉपरफील्ड बेट्सी के पास है, तो मडस्टोन जो है डेविड कॉपरफील्ड को लेने के लिए बेट्सी के पास आ जाता है।
देन वॉट हैपन्स, मिस बेट्सी सेज एवरीथिंग। अब यहाँ पे जब मर्स्टन आता है डेविड को लेने के लिए, तो मिस बेट्सी ने डेविड को बहुत सारी बातें बता देती हैं, बहुत उसे डांटती भी हैं। मिस बेट्सी एंड मिस्टर डिक डिसाइड टू टेक केयर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। देखिए, बेट्सी और डिक जो हैं वो डेविड कॉपरफील्ड को पालन पोषण करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दे सेंड डेविड टू स्कूल टू स्टडी। अब वे दोनों क्या करते हैं, डेविड को स्कूल भी भेजते हैं पढ़ने के लिए। डेविड इज विथ मिस्टर विकफील्ड। अब डेविड जो है कहाँ पे रह रहे हैं, मिस्टर विकफील्ड के पास। एंड देयर एग्नेस कम्स हिज फ्रेंड। और वहीं पे वो फिर से मिलता है एग्नेस से। एग्नेस जो है उसका दोस्त है। एग्नेस इज काइंड, सॉरी हाँ दोस्त है। एग्नेस इज अ काइंड गर्ल। एग्नेस जो है वो काफ़ी दयालु लड़की है, अच्छी लड़की है। यूरिया हिप इज अ सर्वेंट ऑफ मिस्टर विकफील्ड। अब देखिए, यूरिया हिप जो है वह सर्वेंट है किसका, मिस्टर विकफील्ड का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। मिस बेट्सी सेंड्स डेविड टू लंदन टू स्टडी। अब बेट्सी जो है डेविड को लंदन फिर से पढ़ने के लिए भेजते हैं। ही मीट्स टॉमी ट्रेडल्स। मैंने आपको बताया था कि टॉमी ट्रेडल्स उसका दोस्त है, वहाँ पे फिर वो टॉमी ट्रेडल्स से मिलता है। फिर क्या होता है, डेविड गोज टू टॉमी ट्रेडल्स हाउस। और डेविड जो है टॉमी ट्रेडल के हाउस चला जाता है, उसके घर जाते हैं। एंड मीट्स मिस्टर स्टीलफोर्ड। स्टीलफोर्ड से वहाँ जा करके मिलता है। एंड रोजा डार्टल। रोजा डार्टल और स्टीलफोर्ड से वहाँ मिलता है। स्टीयरफोर्ड एंड डेविड गो टू मिस्टर पैगोटी। अब यहाँ पे स्टीयरफोर्ड और पैगोटी जो है वो जाता है, सॉरी स्टीयरफोर्ड और डेविड जो है पैगोटी के पास जाता है ना। एंड कम टू नो इमली। एंड यहाँ पे इमली के बारे में वो जानकारी लेते हैं। अब फिर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, हैम गेट इंगेज्ड। इमली इज़ नॉट हैप्पी विथ हैम। हैम जो है, हैम का इंगेजमेंट इमली से हो चुका है। हैम का एंगेजमेंट इमली के साथ हो चुका है, लेकिन डेविड सॉरी ये इमली जो है वो उससे हैप्पी नहीं है। डेविड मिट्स एग्नेस हु इज़ इन डिफ़िकल्ट कंडीशन। तो इसके बाद लास्ट में नॉवेल के जो है डेविड कॉपरफील्ड अपने दोस्त एग्नेस से मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।